दोस्तों इन्फिनिक्स कंपनी अपनी नोट 11 सीरीज को बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस सीरीज के अंदर 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे, इन्फिनिक्स नोट 11, इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो और इन्फिनिक्स नोट 11 एस। इस वीडियो में जानेंगे ओनली इन्फिनिक्स नोट 11 फ़ोन के स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड लॉन्चिंग डेट की। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी की, तो प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको ग्लास देखने को मिलेगा, लेकिन कौन सा वर्जन देखने को मिलेगा ये बाद में जाकर कन्फर्म होने वाला है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइनिंग के मामले में काफ़ी अच्छा होने वाला है इन्फिनिक्स नोट 11। अब बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की, तो 6.7 इंच की फुल HD प्लस वाली विविड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। यहाँ पर 90 GHz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, 1080x2400 पिक्सल का रिजोल्यूशन, 387 पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर ब्राइटनेस के साथ आएगा ये स्मार्टफोन। 650 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर आपको वाटर डॉप नोच डिस्प्ले देखने को मिलेगी। ओवरऑल डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है, डिस्प्ले के मामले में कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली। अब बात करते हैं फ़ोन के मैन पार्ट यानी कि इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस मेडाटेक हीलियो G88 की चिपसेट देखने को मिलेगी, 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बनी हुई और ये सपोर्ट करती है 4G नेटवर्क को। बात करेंगे इसमें CPU की, तो यहाँ पर 2 GHz की इसमें पीक क्लॉक स्पीड देखने को मिलने वाली है। इस फ़ोन के लिए गेमिंग के लिए मॉन्स्टर गेमिंग किट्स और डार लिंक 2.0 अल्टीमेट गेमिंग बूस्टर भी देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर ग्राफिक्स में Mali G52 MC2 ग्राफिक्स देखने को मिलने वाली है, तो गेमिंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा होने वाला है इस स्मार्टफोन के अंदर। रैम टाइप में आपको LPDDR4X वर्जन देखने को मिलेगा और स्टोरेज टाइप में आपको eMMC 5.1 वर्जन देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन के अंदर। फ़ोन के मैन कैमरे की बात की है तो ट्रिपल एयर कैमरा देखने को मिलेगा, 50 MP का मैन कैमरा, 2 MP का इसका सेकेंडरी कैमरा एंड थर्ड कैमरा होगा AI लेंस के साथ। अब बात करेंगे इसमें रिकॉर्डिंग की, तो फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे मैन कैमरे से। बात करेंगे इसके सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पर 16 MP का सेल्फी कैमरा होगा और यहाँ पर भी फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। फ़ोन के बैटरी बैकअप की बात की जाए तो 5000mAh की बैटरी होगी प्लस 33W सुपर चार्जिंग देखने को मिल जाएगी USB Type-C पोर्ट के साथ। यहाँ पर फ़ोन दो वेरियंट में आएगा, 4GB 64GB एंड 6GB 128GB। 3.5mm जैक देखने को मिल जाएगा, मल्टी स्क्रीन कोलबरेशन देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड वर्जन 11 और XOS 10 की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी इस स्मार्टफोन के अंदर। डुअल सिम के साथ microSD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। फ़ोन में अदर कनेक्टिविटी की बात करें तो वाईफाई ब्लूटूथ 5.0 वर्जन, AGPS, गुलनोस, NFC सपोर्टेड नहीं होने वाला ये स्मार्टफोन। अब बात करेंगे अदर सेंसर की, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी एक्सोमीटर, कंपास, गायरोस्कोप सभी सेंसर मिल जाएंगे जो एक स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलते हैं। ये स्मार्टफोन 7.9mm की अल्ट्रा स्लिक डिज़ाइन के साथ आने वाला है। 184 ग्राम इसका वेट होने वाला है। सिक्योरिटी में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन के अंदर। अब बात कर लेते हैं इसमें ऑडियो क्वालिटी की, तो सिनेमैटिक डुअल स्पीकर देखने को मिलेंगे विद DTS सपोर्टिंग के साथ, तो साउंड क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है इस स्मार्टफोन के अंदर। दोस्तों ये थे इन्फिनिक्स नोट 11 स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइसिंग की, तो ये स्मार्टफोन अंडर 15,000 प्राइस में देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके लॉन्चिंग डेट की, तो ये स्मार्टफोन सीरीज इंडिया के अंदर दिसंबर मंथ में लॉन्च होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। इसी के साथ थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।